हाँ जी, जो बातें दिल के अंदर खाती रहती हैं, समाधान नहीं निकलता है अथवा असंतुष्ट रहते हैं, और असंतुष्ट रहने के कारण फिर दूसरों के सामने प्रदूषण फैलाते रहते हैं।
उससे डिस सर्विस होती रहती है। डिस सर्विस माना बाप के नहीं बनते हैं, आपस में देहधारियों में उलझ जाते हैं। इसलिए ये वार्तालाप का क्लास रखा गया है। हमारे अंदर की भी अटक दूर हो जाए और दूसरों का भी रास्ता क्लियर हो जाए। बाप कहते हैं साफ दिल तो मुराद हासिल। भरी सभा में पूछ लेने में कोई हर्जा नहीं। हाँ जी, चंद्रमा की पत्नी के रूप में काफी है। बीज आत्मा को कहा जाता है, वृक्ष का बीज जैसे वृक्ष की आत्मा है, वो जड़ बीज होते हैं और ये कारण शरीर कहा जाता है। बिना आत्मा के शरीर काम नहीं कर सकता। ऐसे ही जो आधार मूर्त का पार्ट बजाने वाले हैं, जड़ों का पार्ट बजाने वाले हैं, उन्हें चलाने वाले बीज भी चाहिए। आज से अंत तक साथी हैं, जैसे नवरत्न है, परंतु नवरत्नों में एक वैल्यू लेस है और बाकी आठ की वैल्यू हो जाती है, परंतु वो नंबरवार कम वैल्यू के हैं। और उनमें अष्ट देवों की आत्माएं, अपना विशेष कार्य करती हैं। तो नवग्रह कहे जाते हैं। वो आसमान के स्थूल ग्रह हैं और ये धरती के चैतन्य सितारे हैं। जिसे पुखराज कहा जाता है, आर्य समाज से कनेक्टेड है। दूसरों की वैल्यू बताता है लेकिन खुद की वैल्यू नहीं है। नास्तिक धर्म का फाउंडर है। उसके बाद कोई राजा ही नहीं।
व्यक्ति के आधे काल में सूर्यवंशी चंद्रवंशी और बाकी बचे आधे में छह विशेष धर्म की आत्माएं काम करती हैं। छह और दो आठ, ये आठ की ही विशेष वैल्यू है। नंबर बार बाप से प्राप्ति करने वाले हैं। नौवां भी प्राप्ति करता है क्योंकि नंबर में तो आ जाता है, लेकिन वो प्राप्ति नाम मात्र की प्राप्ति है। उसे राजाई राजाई कहें ना कहें बराबर है। उसके बाद वालों को तो राजाई मिलती ही नहीं। सूर्य किसको कहा जाता है? असल रतन सूर्य कौन सा है? सूर्य कौन सा रतन नीचे का कहा जाता है? हीरा है सबसे वैल्यूबल, फिर नंबर वार माणिक पन्ना वैडूर्य देर नाम दिए हुए हैं, वो कम पावर वाले हैं क्योंकि अलग अलग धर्मों से कनेक्ट किए हुए हैं। और धर्मों की वैल्यू भी कम होती जाती है क्योंकि बाद में प्राप्ति करने वाले हैं। जो जितना ही बाप के नजदीक वो उतनी ही जास्ती प्राप्ति करने वालों की लिस्ट में है। और जोर से बोलो, क्या समझा? जो जन्म में आते हैं जन्म मरण के चक्र में, सूक्ष्म शरीर उनको मिलता है जो ज्ञान को पूरा नहीं समझते हैं, इसलिए ज्यादा पाप करते हैं। उनके पापों का बोझा ज्यादा न बढ़े इसलिए थोड़े समय के लिए उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है, अपना शरीर नहीं मिलता। तो जिन शरीरधारियों में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं उनका हिसाब किताब बनता रहता है। जो असल सूर्यवंशी है वो सूर्य की औलाद होने के कारण संगम युग में भी ज्ञान की रोशनी से भरपूर रहते हैं। और अज्ञानता की कमी होने की वजह से भरपूर रोशनी में रहने के कारण पापों से बचे रहते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इसलिए चंद्रमा से लेकर के और चंद्रमा की गोद में चंद्रमा की रहबरी में पलने वाले जो भी धर्म वाले वो सब पापात्माओं की लिस्ट में आते हैं।
ज्यादा ज्यादा पाप करते हैं फिर सूक्ष्म शरीर भी धारण करते रहते हैं। इसलिए और धर्मों में फरिश्ताओं की बहुत मान्यता है। 16 कला संपूर्ण बनने वाले देवताओं की मान्यता नहीं है। फरिश्ताएं होते हैं सूक्ष्म शरीरधारी। और हाँ जी वो सत्य भी है कल्याणकारी भी है। कोई कोई ऐसा सत्य बोलते हैं लेकिन कल्याणकारी नहीं होता है। गाय जा रही है और बोलने वाले ने कसाई को सत्य बता दिया गाय इस रास्ते पर गई है तो ये कल्याणकारी हुआ या अकल्याणकारी हुआ? है अकल्याणकारी हो गया। लेकिन भगवान बाप सत्य भी है। इसलिए मुरलियों में बात आती है युक्ति युक्त चलो। युक्ति से मुक्ति एक बाप ही है जो 100% सत्य है। 100% कल्याणकारी है और जो सच्चा है कल्याणकारी है वो जरूर सुंदर होगा। और सबको अच्छा लगेगा। एक ही है जो संसार में प्रैक्टिकल पार्ट बजाकर सत्यम शिवम सुंदरम साबित होता है। बाकी कुछ न कुछ परसेंटेज में आ जाते हैं। हर हालात में हर तौर तरीके से कल्याणकारी साबित नहीं होते। वो एक ऐसा है जो हर हालात में हर प्रकार के तौर तरीके से हर एक आत्मा के साथ कल्याणकारी साबित होता है। अकल्याण का नाम निशान नहीं। जो बोले सो निहाल। सिख लोगों ने सच्चाई को जास्ती समझा लेकिन बाद में समझा। कि भगवान बाप जितना सत्य बोलते हैं और कल्याणकारी बोलते हैं जो कुछ भी बोलते हैं सुनने में भले थोड़े समय के लिए कोई को कड़वा लगे वो भी कल्याणकारी साबित होता है। जो भी करते हैं क्योंकि करण करावन हार भी है खुद भी करके दिखाता है और बच्चों से भी कराता है तो जो भी करते हैं कल्याणकारी ही करते हैं। अकल्याण का नाम निशान नहीं।
सच्चा खाना, सच्चा पहनना, सच्चा लेना और सच्चा देना, ये बात ही सिखाते हैं। फिर उसका रिजल्ट क्या होता है? सच्चे तो बिठो नच्चे, जो जितना सच्चाई से बोलेगा, जितना सच्चाई से कर्मेंद्रियों से कर्म करेगा, उसकी खुशी बढ़ेगी या घटेगी? दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। इसलिए त्रिमूर्ति में संपूर्ण रूप किसका गाया हुआ है? है विष्णु का। आनंद का सागर कहा जाता है। और वेद की राजाई माने इतनी बड़ी राजधानी जिसमें दुनिया के 500 करोड़ मनुष्य भी अपना सर झुका देंगे, कोई विरोध करने वाला नहीं रहेगा। नहीं तो और हिस्ट्री में जो राजाएं हुए हैं वो नंबरवार राजधानियां स्थापन की है, कोई छोटी कोई बड़ी, सारी दुनिया उस राजधानी में पले। उसे कहते हैं विश्व की बात सही। विश्व माना 500 करोड़ 700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब उस ईश्वरीय राजाई के भागीदार हैं। इसलिए उसका नाम पड़ता है ईश्वर। ईश माना शासन करता, वर माना श्रेष्ठ, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करता। रहबरी में रहना सब पसंद करेंगे। और द्वैत माना दो, आ लगा दिया माना दो नहीं, चार नहीं, आठ नहीं, अनेक नहीं, अद्वैत माना एक। द्वापर से होता है द्वैत, उसका नाम ही है द्वापुर। दो दो धर्म शुरू हो जाते हैं, दो दो राज्य शुरू हो जाते हैं, दो दो भाषाएं शुरू हो जाती हैं, दो दो मतें शुरू हो जाती हैं, हर बात में द्वैतवाद। जहां द्वैत है वहां झगड़ा है, जहां अद्वैत है वहां अयोध्या है। लड़ाई झगड़े का नाम निशान नहीं। सतयुग त्रेता है अद्वैत राज्य। भले त्रेता में अनेक राजाएं होंगे, तो भी सब एक के कंट्रोल में रहने वाले होंगे। अनुशासनहीनता नहीं होगी, विरोधाभास नहीं होगा। और हाँ?
बोला है ना मुरली में, भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया है। तो भक्ति मार्ग में आंसू भी दिखा दिए है, और तुम बच्चों को, मेरे को नहीं। मेरे के लिए तो कहा जाता बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, वो सबका बाप है, हंसने वालों का भी बाप है और रोने रुलाने वालों का भी बाप है। इसलिए कहते हैं सुख की दुनिया मेरी है तो दुख की दुनिया मेरी नहीं है क्या? और भक्त जो है वो ये जानते हैं कि ये शिवलिंग भगवान की यादगार है। जो भी भक्ति मार्ग में बातें आई हैं, उन भक्ति मार्ग की बातों में ढेर सारा भूसा भरा हुआ है, यह सब कुछ सच्चाई है, हैं? क्या है भूसा भरा हुआ है? तो बाप कहते हैं मैं जो कुछ सुनाता हूँ वो सुनना है, मैं शास्त्रों की जो बातें उठाता हूँ उन पर मनन चिंतन मंथन करना है, क्योंकि बाप शास्त्रों के भूसे में से बसर निकाल करके हमारे सामने रखते हैं। शास्त्रों में आटे में जैसे नमक होता है सच्चाई, इतनी सच्चाई है, बाकी सब सब झूठ है। भक्त तो जानते ही नहीं है कि शिवलिंग निराकार कैसे होता है, वो तो निराकार का अर्थ ये लगाते हैं जिसका कोई आकार ही नहीं, जो आंखों से देखा नहीं जाता। शिवलिंग को आंखों से देखा जाता है कि नहीं है? अरे शिवलिंग आंखों से दिखाई पड़ता है या नहीं पड़ता है, तो निराकार कहाँ हुआ है? हाँ, शिवलिंग का अर्थ है वो निशान जिसमें वो निराकार ज्योति बिंदु अभोक्ता प्रवेश करके पाठ बजाता है, आंखें होते हुए भी जैसे कि नहीं है, कान होते हुए भी जैसे कि नहीं है, सारी दुनिया की ग्लानी अपने ऊपर धारण कर लेता है, कलंकी धर अवतार कहा जाता है, परंतु उस ग्लानी को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता है। नहीं तो मनुष्यों को थोड़ी ग्लानी सुना दो तो फीलिंग आ जाती है,
चेहरा लटक जाता है, खट से प्रभावित तो हो जाते हैं। वो एक ही भगवान का ऐसा पार्ट है जो इंद्रियां होते हुए भी जैसे कि न होने के बराबर। तो ये तो भक्ति मार्ग की कथाएं बनाई हुई है, बनाने वाले ज्ञानी थे या अज्ञानी थे, और एक प्रकार के बनाने वाले नहीं है, बनाने वाले अनेक प्रकार के हैं। तो उनमें सब सच्चे होंगे क्या? होती कोचिंग क्लास माने ट्यूशन पढ़ाना, माने कुछ स्पेशल बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं। सबको पढ़ाई नहीं पढ़ाते, चुनिंदा बच्चे हैं जिनको कोचिंग क्लास लेते हैं। माने पढ़ने वाले तो बेसिक में भी बहुत हैं, फिर उन सबको पढ़ाई पढ़ाते हैं क्या? है कुछ विशेष बच्चे हैं जिनका कोचिंग क्लास लेते हैं। बच्चे हो तब ना आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले हो ना, आत्मा रूपी सुई की कट उतरने वाली हो ना। कहते तो हैं जिनकी आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतर जाती है उनको डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं, आत्मा ही नहीं बनते। मेरी दादी, मेरा दादा, मेरी दीदी, मेरा चाचा, मामा, काका, ताऊ देह के संबंधियों में ही लटक पड़े हैं। तो आत्मा बने होंगे, उनकी पूरी पढ़ाई होगी, या देह देह के संबंधियों में लटके हुए होंगे तो पूरी पढ़ाई पढ़ेंगे? कौन पढ़ेंगे? मैं तुम आत्माओं को पढ़ाता हूँ, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। जो रूह नहीं बन पाते वो 4.5 लाख से ऊपर जितने भी है वो डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई अंत तक नहीं पढ़ पाते। कोई न कोई देहधारियों में लग जा देंगे। और प्रकाश मणि दादी ही अकेली माया बेटी है और दूसरे लोग माया बेटी नहीं बनते? जो दूसरों के पुरुषार्थ में विघ्न पैदा कर दे, उमंग उत्साह बढ़ाने के बजाय, बाप के नजदीक लाने की बजाय बाप से दूर कर दे, उनको माया बेटी नहीं कहा जाएगा? है माया क्या काम करती है? बाप से दूर भगाती है और अपने से चिपकाती है। ग्रुप कौन है? जो बड़ी जड़ का काम करे वो आधार मूर्त, बड़ी जड़ हो गई
फिर उसका कोई बड़ा बीज भी होगा। बीज ज्यादा पावरफुल होता है या जड़ ज्यादा पावरफुल होती है? बीज जब बीज रूप स्टेज में आ जाता है तो जड़ का रचयिता बन जाता है, बीज से जड़ पैदा होती है। तो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? बीज हुआ। तो कुमारका दादी सिर्फ आधार मूर्त में ही होगी या बीज रूप में भी होंगी? जड़त्वमयी बुद्धि जड़ को पकड़ेगी, जितना जितना बीज रूप स्टेज धारण करेंगे तो बुद्धि बीज रूप आत्माओं की दुनिया में रहेगी या बाहर भागेगी? अभी तो तीन दुनियाएं हैं, 500-700 करोड़ पत्तों की बाहर की दुनिया, फिर आधार मूर्तों की दुनिया जो जड़ों पर बैठे हुए हैं। बेसिक नॉलेज तक रुके हुए हैं, फिर बीज रूप आत्माओं की दुनिया जो आत्मा बन जाते हैं। हमारी बुद्धि किसका कल्याण करने में पहले लगनी चाहिए? हम कौन से घराने के हैं? बीज रूप आत्माओं की दुनिया के घराने के हैं, आधार मूर्तों के घराने के हैं, ये 500 करोड़ की दुनिया के हैं। हमारी दुनिया ही अलग है। पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। पहले अंदर झांकना है, 500 करोड़ की दुनिया का सुधार बाद में होगा। अंतर्मुखी बनना अच्छा या बहिर्मुखी बनना अच्छा? अंतर्मुखी बनना है। और ये क्या मुरली में आया है? हैं? मुरली में आता है? फिर देते हैं क्या 500 करोड़ को थप्पड़ फाड़ के देते हैं? हैं? अरे भगवान से लेने की जिनके पास युक्ति है उनको ही मिलता है, नहीं तो वो देने वाला देता है और लेने वाले नहीं लेते हैं। वो तो सबको बराबर बराबर देता है या कोई को कम देता है कोई को ज्यादा देता है? हाँ, सबको बराबर बराबर देता है। ये भक्ति मार्ग की बात है। भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। लगता टीवी ज्यादा देखते हैं और टीवी की बातें बुद्धि में घूमती रहती है, हैं? और टीवी में जितने भी सीरियल बनाने वाले हैं और टीवी के सीरियल बनाने वाले वो सारे बम्बैया हैं।
मुरली की बातों का मनन चिंतन मंथन करना अच्छा है, और जो भी दुनिया के बाहर के साधन है उनमें बुद्धि भरमाने से फायदा नहीं होगा, नुकसान होता रहेगा। बल बाबा ने कहा है अखबार भी देखना है, अखबार की बातों को तुम इस ज्ञान से टैली कर सकते हो, ये भी बोला है रामायण में, भागवत में, महाभारत में जो भी लिखा हुआ है उसको तुम अभी टैली कर सकते हो। टैली करना है ऐसे नहीं बोला, क्या बोला? टैली कर सकते हो। एक एक बात को टैली करने बैठ जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा या टाइम सफल होगा? वेस्ट हो जाएगा। और नारायण का क्या? हाँ हाँ, नारायण के जो अलंकार हैं वो ब्राह्मणों के अलंकार हैं। नारायण का अलंकार या विष्णु के अलंकार, ये वास्तव में कोई विष्णु तो ऐसा होता नहीं है, और अभी वर्तमान में कोई नारायण भी नहीं है जो संपन्न स्टेज बनाने वाला हो, जिसके संसर्ग संपर्क में आने मात्र से ही कोई चेंज हो जाए। जो भी विष्णु के अलंकार हैं वो संपन्नता की यादगार है। वास्तव में शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये पुरुषार्थी ब्राह्मण जीवन की बातें हैं, या नारायण धारण करेगा तो पुरुषार्थी तो ब्राह्मण है। अभी वर्तमान समय जो भी पुरुषार्थी हैं उनके वो अलंकार दिखाए गए हैं, नहीं तो नारायण को या विष्णु को इतना ताम झाम धारण करा दिया जाए तो सच्चाई है क्या? वो बीज रूप स्टेज में होंगे, निसंकल्पी स्टेज में होंगे, ज्ञान के सार में टिके हुए होंगे, या विस्तार की बातों में जाने वाले होंगे। वास्तव में संपूर्ण ब्राह्मण ही संपूर्ण देवता है। अभी की बातें हैं, अभी हमको अलंकार धारण करने का पुरुषार्थ करना है, उसकी यादगार दिखाई है। और तुम बच्चों को ब्रह्मा की तरह प्रवेश करके पार्ट बजाना है। ब्रह्मा को शरीर नहीं है, लेकिन वो जब प्रवेश करता है बीज रूप आत्माओं में तो बीज रूप स्टेज धारण कर लेता है। ब्रह्मा बाप का पार्ट नहीं है, रचयिता का पार्ट नहीं है, रचना का पार्ट है। उसने इतनी जब शक्ति हो सकती है कि दूसरों में प्रवेश करके पार्ट बजा सकता है, तो जो बीज रूप आत्माएं हैं जब संपन्न
निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, निसंकल्पी स्टेज में टिकेंगी तो औरों में प्रवेश करके पाठ नहीं बजा सकती, बजाए सकती है। उस समय इतना बोल बोल करने की जरूरत नहीं रहेगी, इतनी भागदौड़ कर्मेंद्रियों से करने की दरकार नहीं रहेगी, क्योंकि मन बुद्धि संपन्न स्टेज में कार्य करने वाली बन जाएगी। तन की शक्ति बड़ी या धन की शक्ति बड़ी या जनशक्ति मनुष्यों की शक्ति बड़ी या मन बुद्धि की शक्ति बड़ी, मन बुद्धि अगर संपन्न एकाग्र हो जाए तो धन की तन की शक्तियां लगाने की दरकार ही नहीं। मन बुद्धि रूपी आत्मा सारा कार्य करेगी, वाइब्रेशन को कंट्रोल किया और उस वाइब्रेशन में पलने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो स्वतः ही कंट्रोल्ड हो जाएंगे। जैसे शास्त्रों में गायन है कि ऋषि मुनियों के आश्रम में शेर बकरी एक हाथ पानी पीते थे, तो शेर जैसे खूंखार जानवर का ये वाइब्रेशन कैसे चेंज हो गया? ये वर्तमान संगमयुगी पुरुषार्थी जीवन की संपन्नता की स्टेज का यादगार है। हाँ है? रुद्राक्ष कहते हैं और अभिषेक माना क्या? हाँ, रुद्र का मतलब है रौद्र रूप धारण करने वाला। दुनिया में जो भी अभिषेक हुए हैं उनमें बड़े से बड़ा अभिषेक कब होता है? संगम युग में होता है, वो तो भक्ति मार्ग का अभिषेक है। राजा जब गद्दी पे बैठता है तो उसको स्पेशल स्नान कराते हैं, गद्दी पे बैठाते हैं। यहाँ कौन सा स्नान है? ज्ञान का स्नान है। जब तक जीना है तब तक पीना है। ये देह अभिमान में जीने का काम जब खत्म हो जाएगा, सदाकाल के लिए आत्मा अभिमानी बन जाएंगे, उस समय की यादगार है। एक की यादगार बनती है या अनेकों की यादगार बनती है? एक का नाम गाया जाता है अर्जुन, एक का नाम गाया जाता है युधिष्ठिर। बाकी ऐसे नहीं कि एक ही अर्जुन था, एक ही युधिष्ठिर था। अभिषेक होने वाले राजाएं अनेक होते हैं जिनका अभिषेक होता रहा, लेकिन उनमें पहला नंबर एक ही है। रुद्र अनेक होते हैं, उन रौद्र रूप धारण करने वालों में अव्वल नंबर रुद्र एक ही है, जिसके नाम से कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। एक के द्वारा वो ज्ञान यज्ञ शुरू होता है।
उसका अभिषेक गाया हुआ है। भक्ति मार्ग में कह दिया है, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। वास्तव में तुलसीदास माने राम की आत्मा, वो ज्ञान का चंदन घिसती है पहले पहले नंबर में और सबसे जास्ती घिसती है। भगवान बाप आकर के मनन चिंतन मंथन रूपी चंदन घिसने वाले बच्चों को नंबरवार अभिषेक करते हैं, राजाई का तिलक देते हैं, एक का गायन हो जाता है। और कौन से एक होती है सर्विस और एक होती है डिस सर्विस। सर्विस करने वाले समझते हैं हमने बहुत सर्विस की, लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है बहुतों को दुख दिया, बजाय खुशी देने के क्या दिया, दुख दे दिया। तो सर्विस की लिस्ट में गिना जाएगा या डिससर्विसेबल की लिस्ट में गिना जाएगा। ज्ञान तो बहुतों को दिया लेकिन देहंकार में आकर के दिया। बाप की याद में नहीं दिया, देवान में आकर के ज्ञान दिया। देवान में आकर जो ज्ञान दिया जाएगा, भले ईश्वर का ज्ञान दिया, सुनाने वाले को अपना चेला बनाएगा या बाप का बच्चा बनाएगा, क्या करेगा है? जो देह अहंकार में भरपूर होकर ज्ञान सुनाया जाता है वो बाप का बनाता है या गुरु का बनाता है? देहधारी गुरु का बनाता है। बाप कहते हैं सर्वसेवल बच्चों को मैं बहुत याद करता हूँ। जो भी सर्विस करे उसका रिजल्ट बाप के पास पहुंचना चाहिए। जिसकी सर्विस होगी वो खुद ही आकर के बाप को सुनाएगा कि हमारी तो इन्होंने आंखें खोल दी। व्यंग कहते हैं पक्षी को, जो पक्षी बहुत ऊंची ऊंची उड़ान उड़ते हैं उनको व्यंग मार्गी ये कहा जाता है। एक होती है चीटी मार्ग की सर्विस, जैसे चीटी धीरे धीरे चलती है वो सेवा, और जैसे व्यंग माना पक्षी बहुत ऊंची स्टेज में उड़ता है, ऐसे ऊंची ऊंची सेवा करना उसको कहते हैं व्यंग मार्ग की सेवा करना। व्यंग मार्ग की सेवा होती है मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की इकट्ठी सेवा करने से, बाप की याद में रह करके सेवा करने से
बाप खुद प्रवेश करके उससे सेवा कराता है, उसको कहा जाता है व्यंग मार्ग की सेवा, रिजल्ट अच्छा निकलता है। और हस्तदेवों को क्या कहा जाता है? विनाश कल्याणकारी है या कल्याणकारी है? विनाश भी कल्याणकारी है। बाप जैसा विनाश कराना चाहते हैं वैसा विनाश होना चाहिए। हालांकि इम्प्योरिटी से होता है विनाश, अपवित्रता से होता है विनाश, और पवित्रता से होती है स्थापना। तो ज्यादा प्राप्ति करने वाले कौन बनेंगे? स्थापना करने वाले, ज्ञान की प्राप्ति करने वाले बनते हैं। जो जितनी स्थापना करता है उतनी पालना करने के भी निमित्त बनता है, तो प्राप्ति बहुत हो जाती है। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? डिस्ट्रक्शन का लक्ष्य होना चाहिए या कंस्ट्रक्शन करने का लक्ष्य होना चाहिए? जो निर्माण करेगा वो निर्माण चित्त बनेगा, या यूं कहें कि निर्माण चित्त ही निर्माण करेगा। और बोला है कोई टीचर ऐसे होते हैं जो सतगुरु में जाकर के सिर्फ टीचर ही बनेंगे, राजपद नहीं पावेंगे, राजा नहीं बनेंगे। और कोई टीचर राजपद पावेंगे। ब्रह्मा कुमारी कोई राजा कुमारी बनेगी और कोई ब्रह्मा कुमारी प्रजा कुमारी बनेगी। टीचर तो सब बनते हैं, लेकिन जो टीच किया उसका रिजल्ट क्या निकला वो भी देखना है। ऐसे नहीं कि जितने टीचर बनते हैं, जितने इंचार्ज बनते हैं वो ऊंच पद पाते हैं, कोई जरूरी नहीं है। यहां संगम युग में बल कोई टीचर नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन अपनी चलन से बहुतों को सुख देता है, वाचा की सेवा नहीं करता, लेकिन अपने मन के वाइब्रेशन ऐसे छोड़ता है जो दूसरी आत्माओं को बहुत सुखदायी लगते हैं। उनका संग में रहना ही उनको अच्छा लगता है। तो अपने व्यवहार से कोई दूसरों को संतुष्ट करता है, दिव्य गुणों का दान कर देता है, तो वो टीचर नहीं है क्या? वो भी टीचर है।
कहते हैं इंद्रधनुष में सात रंग होते हैं। इंद्रधनुष मोस्टली कौन से मौसम में दिखाई पड़ता है? हैं? बरसात के मौसम में। तीन मौसम है, गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम और ठंडी का मौसम। सतयुग त्रेता है ठंडी का मौसम, द्वापर कलयुग है गर्मी का मौसम, दिमाग गर्म बने रहते हैं, और संगम युग है बरसात का मौसम। ये ज्ञान बरसात का टाइम जब पूरा होता है बरसात जब पूरी होती है तो आसमान में क्या दिखाई पड़ता है? है? इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। तो ये सात रंगों वाला इंद्रधनुष है, सात सूर्य के जो घोड़े हैं, सात नारायण, वो संपन्न स्टेज जब प्राप्त करते हैं तो बाप के सहयोगी बन जाते हैं। उनके अलग अलग प्रकार के सात रंग हैं। अंत में ऊंची स्टेज में दिखाई पड़ेंगे। सात ही रंग होते हैं, सफेदी कोई रंग होता है क्या? है? सफेद अपने में कोई रंग नहीं है। कहते हैं इनकी आंखें रंगी हुई है, इनकी आंखों में बहुत रंग दिखाई देते हैं। जो सात विधर्मी है वो ही रंगीले है। बाप आकर के संगम युग में सब रंगों की धुलाई कर देता है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा हुआ? है? जो बाप कहते हैं कि सफेद कपड़ा पहनना अच्छा है। क्यों? रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए देखेंगे तो आंख ज्यादा आकर्षित होगी या सफेद ज्यादा आकर्षित करता है? क्लास के लिए तो स्पेशल बताया हुआ है, ये तुम्हारी रूहानी मिलिट्री, मिलिट्री जब फील्ड में आती है तो उसकी अपनी वर्दी होती है। क्लास में सबको सफेद वस्त्र ही पहनना चाहिए। मान लो सफेद वस्त्रों के बीच में कोई एकदम लाल लाल हरा हरा पहने बैठा हुआ है, गहरे रंग का कपड़ा, तो सबकी बुद्धि किधर जाएगी? उसी रंगीले की तरफ जाती रहेगी। दुनिया में भी ऐसे ही होता है, रंग बिरंगे की तरफ बुद्धि आंखें ज्यादा चौंध जाती हैं। इसलिए सफेद रंग सबसे अच्छा है संगम युग में। बाकी ऐसे नहीं कि सुबह से शाम तक सफेद वस्त्र ही पहने रहे,
काम काज करते घर में रह करके रंगीन वस्त्र भी पहने जा सकते हैं। और वेद में क्या स्मगल अगर जिन्हें जो स्मगलिंग करते हैं, सोने की चोरी करते हैं, तस्करी करते हैं, अफीम की तस्करी करते हैं, ऐसे ज्ञान में भी स्मगलर हैं। चोरी कर लेते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं, जैसे सुनाते हैं एडवांस ज्ञान और उसमें से बाप की प्रत्यक्षता के पॉइंट से गायब कर देते और बेसिक के स्टूडेंट को सुना सुना के बहुत खुश कर देते हैं। सुनने वाले समझते हैं बहुत अच्छा सुनाया, मारी खुशी के अपना तन मन धन सब अर्पण करते हैं। तो उसे स्मगलिंग नहीं करेंगे कहेंगे या चोर बाजारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ऐसी चोर बाजारी करने वाले बेसिक नॉलेज में बहुत भरे हुए। बेसिक नॉलेज की बात छोड़ो, एडवांस नॉलेज में भी जो और पार्टियां निकल रही है वो पॉइंट निकालेंगी वही जो एडवांस के ऑलरेडी निकाले हुए पॉइंट है, लेकिन उसमें मिक्स करके अपनी बात सुना देंगे। ये सब चोर बाजारी है। स्मगलिंग और चोर बाजारी छुपके की जाती है या सरेआम मैदान की जाती है? हैं? समाज और सरकार की नजरों से छुपा के करते हैं या प्रत्यक्ष में करते हैं? छुपा के करते हैं। ऐसे यहाँ भी है, चाहे एडवांस पार्टी में विरोधी पार्टियों वाले हो, छुप छुप के सुना देंगे। गैर पुरुषार्थी कमजोर आत्माओं को सुना देंगे अथवा बेसिक नाज वालों में अंदर अंदर दरवाजा बंद करके बड़े बड़े महारथी समझे जाने वाले छुप छुप के लेन देन करेंगे, क्लास में उन बातों को नहीं बतावेंगे। इस सब ज्ञान में भी स्मगलिंग हो रही है, चोर बाजारी चालू है। और चला।